हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फील्ड चैनल। दोस्तों, आज का टॉपिक है शारीरिक शिक्षा का अर्थ एवं परिभाषा। दोस्तों, आज मैं शारीरिक शिक्षा का अर्थ एवं परिभाषा इतने अच्छे ढंग से बताऊंगी कि आपको पता ही नहीं चलेगा और सब याद भी हो जाएगा। बस आप वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखते रहिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे शारीरिक शिक्षा का अर्थ। दोस्तों, यह टॉपिक जो है आपके सिलेबस यूपी टीजीटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग, जैसे कि आपके सिलेबस को तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है, तो प्रथम पार्ट में जो है शारीरिक शिक्षा सिद्धांत एवं शिक्षा मनोविज्ञान है, उसी पार्ट के सभी टॉपिक्स को मैं क्लियर कर रही हूँ। तो प्रथम उसका टॉपिक है शारीरिक शिक्षा का अर्थ एवं परिभाषा, तो इसी के बारे में चलिए जानते हैं। तो शारीरिक शिक्षा का अर्थ के बारे में पहले बात करेंगे। तो शारीरिक शिक्षा, सबसे पहले हम किसी के अर्थ को जानने के लिए उसके शाब्दिक अर्थ शब्दों पर ध्यान देते हैं। जैसे कि शब्द क्या है, शारीरिक शिक्षा, यानी ये दो शब्दों से मिलकर बना है, शारीरिक प्लस शिक्षा, जिसमें इसे शारीरिक शब्द का अर्थ है शरीर संबंधी विभिन्न क्रियाओं से, और शिक्षा का से अर्थ है सुव्यवस्थित ढंग से निर्देश या प्रशिक्षण। ठीक है, तो शारीरिक का क्या अर्थ है, शरीर संबंधी विभिन्न क्रिया से है इसका अर्थ, और शिक्षा का अर्थ है कि सुव्यवस्थित ढंग से निर्देश या प्रशिक्षण, यानी कि जीवन की क्रमबद्ध ढंग से तैयारी या किसी कार्य विशेष के लिए दिया जाने वाला दिशा निर्देश से है। तो इस प्रकार शारीरिक प्रशिक्षा दोनों को मिलाने से शारीरिक शिक्षा का अर्थ क्या हो जाता है, शारीरिक क्रियाओं का सुव्यवस्थित ढंग से अध्ययन। शारीरिक का मतलब शरीर संबंधी विभिन्न क्रिया से है, और शिक्षा का तात्पर्य व्यवस्थित ढंग से दिशा निर्देश या प्रशिक्षण। तो शारीरिक शिक्षा का अर्थ हो जाएगा शारीरिक क्रियाओं का सुव्यवस्थित ढंग से अध्ययन। इस प्रकार हम निष्कर्ष स्वरूप कह सकते हैं कि शारीरिक शिक्षा वह शिक्षा है जिसका संबंध शारीरिक क्रियाओं से होता है, और जिस शिक्षा के माध्यम से किसी व्यक्ति विशेष का सर्वांगीण विकास संभव होता है। ठीक है, इस प्रकार शारीरिक शिक्षा से व्यक्ति का सर्वांगीण विकास होता है, जैसे कि शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आध्यात्मिक, हर तरफ से। ठीक है, उसको परिपूर्ण बनाना ही क्या होता है, शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य होता है। ठीक, शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य होता है व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना। तो अब टाइम वेस्ट न करते हुए हम शारीरिक शिक्षा की परिभाषा की तरफ चलेंगे। जैसा कि आप लोग शारीरिक शिक्षा के अर्थ को जान लीजिए, शारीरिक शिक्षा का अर्थ है शारीरिक क्रियाओं का सुव्यवस्थित ढंग से अध्ययन, और पार्ट में डिवाइड करके भी पूछ सकता है कि शारीरिक शिक्षा में शारीरिक शब्द का क्या अर्थ है, शरीर संबंधी विभिन्न क्रियाओं से, शिक्षा शब्द का क्या अर्थ है, सुव्यवस्थित ढंग से निर्देश या प्रशिक्षण। ठीक है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। तो चलिए बात करते हैं शारीरिक शिक्षा की परिभाषा के बारे में। तो परिभाषा एक ट्रिक के माध्यम से मैं बताऊंगी, जिसमें उसके की पॉइंट को पकड़ना पड़ेगा, आपको पूरा परिभाषा याद नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, जैसा कि परिभाषा है डेलबर्ट आवरिट यूफर का। ठीक है, डेलबर्ट आवरिट यूफर कहते हैं कि शारीरिक शिक्षा उन अनुभवों का सामूहिक प्रभाव है जो व्यक्ति विशेष की प्रक्रिया से प्राप्त होते हैं। देखिए, ये क्या कह रहे हैं कि शारीरिक शिक्षा उन अनुभवों का सामूहिक प्रभाव है जो व्यक्ति विशेष की प्रक्रिया से प्राप्त होते हैं। तो इसमें कौन सा की पॉइंट पकड़ना है, इसमें पकड़ना है कि एक किस पे जोर दे रहे हैं, अनुभव पर ज्यादा जोर दे रहे हैं। तो इनके की पॉइंट को पकड़ना है कि अनुभवों का सामूहिक प्रभाव। ठीक है, इनके मुख्य की पॉइंट क्या है, अनुभवों का सामूहिक प्रभाव। तो जहां पे अनुभवों का सामूहिक प्रभाव दिख जाए, वहां पे परिभाषा को टिक लगाना है, डेलबर्ट आवरिट यूफर। ठीक है, तो यहाँ पे विशेष रूप से ध्यान रखिए। एंड नेक्स्ट परिभाषा है रोजालैंड कैसिडी की। ये कहते हैं कि शारीरिक शिक्षा व्यक्ति के भीतरी अनुभवों के कारण व्यक्ति विशेष में होने वाले परिवर्तनों के कुल जोड़ को शारीरिक शिक्षा कहते हैं। देखिए, इस परिभाषा में रोजालैंड कैसिडी के परिभाषा में दो की पॉइंट है, जबकि डेलबर्ट आवरिट यूफर की परिभाषा में एक अनुभव का सामूहिक प्रभाव है।
लेकिन इनकी परिभाषा रोजालिन कैसी जी की परिभाषा में दो कीट पकड़ में आते हैं, एक भीतरी अनुभव के कारण, ठीक है, जबकि अनुभव का सामयिक प्रभाव कहे हैं डिलबर्ट अवेटिव फॉर, और जबकि रोजालिन कैसे जी क्या कहे हैं कि व्यक्ति के भीतरी अनुभव, ठीक है, यहाँ पे भीतरी अनुभव शब्द आ जाए एंड लास्ट में कुल जोड़ शब्द आ जाए, ठीक है, भीतरी अनुभव आ जाए, परिवर्तनों के कुल जोड़ आ जाए, यानी कि इसमें दो की पॉइंट दिखाई दे रहा है, भीतरी अनुभव एंड परिवर्तनों के कुल जोड़, ये दो शब्द जिसमें आ जाए, जान लीजिए वो परिभाषा किसकी बात कर रही है, कर रहा है रोजालैंड कैसिडी की। तो इस तरह से आप की पॉइंट पकड़ के याद कर सकते हैं। नेक्स्ट परिभाषा है ब्राउन वेल की, ठीक है, ब्राउन वेल क्या कहते हैं कि शारीरिक शिक्षा उन संतुलित अनुभवों का जोड़ है जो बृहद पेशी प्रक्रियाओं में भाग लेने से भी प्राप्त होते हैं एवं उनकी अभिवृत्ति और विकास को चरम सीमा तक बढ़ाते हैं। देखिए इस परिभाषा में भी दो की पॉइंट पॉइंट है, कौन कौन से, संतुलित अनुभवों का जोड़ और लास्ट में चरम सीमा, ठीक है, संतुलित अनुभवों का जोड़ और चरम सीमा, ये शब्द ये वाक्यांश जिसमें आ जाए, जान लीजिए वो परिभाषा किसकी बात कर रही है, कर रहा है ब्राउन वेल की, ठीक है। तो अभी तक मैंने डेल्बर्ट आबिट यूफर, रोजालन कैसिडी, ब्राउन वेल तीन लोगों की परिभाषा बताया, तीनों में अंतर क्या है, डेल्बर्ट आबिट यूफर अनुभवों का सामूहिक प्रभाव पर जोर देते हैं, जबकि रोजालन कैसिडी भीतरी अनुभवों के कारण और परिवर्तनों के कुल जोड़ पर जोर देते हैं, जबकि ब्राउन वेल जो है वो संतुलित अनुभवों का जोड़ है, ठीक है। तो ये ऐसे की पॉइंट आपको पकड़ के याद करना है, ठीक। नेक्स्ट परिभाषा है जेबीनेस की, जेबीनेस क्या कहते हैं कि शारीरिक शिक्षा शिक्षा के संपूर्ण क्षेत्र का वह भाव है, ठीक है, संपूर्ण क्षेत्र का वह भाग है जिसका संबंध बृहद पेशी प्रक्रियाओं उनसे संबंधित अनुक्रियाओं से है। देखिए जहां पे बड़ी मांसपेशी यानी बृहद मांसपेशी की बात आए वहां जेबीनेस की परिभाषा होगी, ठीक है, उसके साथ साथ ये शिक्षा के संपूर्ण क्षेत्र, ठीक है, और संपूर्ण क्षेत्र की बात आए, दो की पॉइंट है, संपूर्ण क्षेत्र एंड बृहद पेशी प्रक्रियाओं उनसे संबंधित अनुक्रियाओं की बात आए, जहां पे बड़ी मांसपेशी की बात आ जाए वहां पे जेबीनेस की परिभाषा होगा, ठीक है। नेक्स्ट परिभाषा है चार्ल्स ए बूसर द्वारा, ठीक है, इनके परिभाषा में ये कहते हैं कि शारीरिक शिक्षा संपूर्ण शिक्षा प्रबंध का एक अभिन्न अंग है तथा जिसका ध्येय यानी लक्ष्य उन शारीरिक प्रक्रियाओं के माध्यम से है जिनका चयन शारीरिक मानसिक संवेगात्मक तथा सामाजिक दृष्टि से स्वस्थ नागरिकों का निर्माण करने जैसे उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए किया जाता है। तो जहाँ से बूचर की परिभाषा इतना लंबा है इससे भी ध्यान देना है कि ये शारीरिक मानसिक संवेगात्मक सभी क्षेत्रों पर प्रकाश डाले हैं एंड इनका की पॉइंट है संपूर्ण शिक्षा, ठीक है, जहाँ पे संपूर्ण शिक्षा शब्द आ जाए वहां पे चार से बूचर की परिभाषा है, ठीक है, संपूर्ण शिक्षा प्रबंधन का अभिन्न अंग जहाँ पे आ जाए वहां पे चार से बूचर की परिभाषा है। और नेक्स्ट परिभाषा है जे एफ विलियम्स की, जे एफ विलियम्स कहते हैं कि शारीरिक शिक्षा मनुष्य की उन शारीरिक क्रियाओं को कहते हैं जिनका प्रयत्न और प्रयोग उनके प्रभाव की दृष्टि के अनुसार किया जाता है। तो इनके परिभाषा में प्रयत्न और प्रयोग शब्द की पॉइंट है जिसको आप ध्यान में रख सकते हैं, जहां प्रयत्न और प्रयोग शब्द आए वहां पे जे एफ विलियम की परिभाषा होगी। और इनका एक और परिभाषा है सनातन और मौलिक शिक्षा पर ज्यादा जोर देते हैं विलियम्स, इनका कहना है कि प्रथम शारीरिक शिक्षक वह था जिसने भूख मिटाने के लिए समुदाय को दौड़ना लड़ना और फेंकना सिखाया, ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण है कि प्रथम शारीरिक शिक्षक वह था जिसने भूख मिटाने के लिए समुदाय को दौड़ना लड़ना फेंकना सिखाया। तो एक ये परिभाषा आ सकता है जेम विलियम्स की, ये परिभाषा है सनातन और मौलिक शिक्षा पर ये ज्यादा जोर देते हैं। तो अभी तक जितने परिभाषा बताए सब वेरी इंपॉर्टेंट है, रोजानन कैसी, डेलबर्ट अवेट यूफर, जेबी नेस, चार्ल्स बूसर, ब्राउन वेल, जेम विलियम्स,
इस सभी के सभी वेरी इंपॉर्टेंट है और ये जरूर पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न आता है सीसी कोबेल, शारीरिक शिक्षा, ये कहते हैं कि शारीरिक शिक्षा व्यक्ति विशेष के सामाजिक व्यवहार में वह परिवर्तन है जो बड़ी मांसपेशियों तथा उनसे संबंधित गतिविधियों की प्रेरणा से उत्पन्न होता है। तो दोस्तों यहाँ पे जहाँ पे सामाजिक व्यवहार में परिवर्तन शब्द आ जाए वहां पे जान लीजिएगा कि सीसी कोबेल की परिभाषा है, यहाँ पे की पॉइंट यह है, ठीक है। एंड नेक्स्ट परिभाषा है ए आर वोमेन के अनुसार, ये कहते हैं कि शारीरिक शिक्षा जो है शिक्षा का वह भाग है जिसके द्वारा मनुष्य का शारीरिक क्रियाओं द्वारा प्रशिक्षण के साथ साथ पूर्ण विकास होता है। देखिए यहाँ पे की पॉइंट है शारीरिक क्रियाओं द्वारा, मनुष्य का शारीरिक क्रियाओं द्वारा प्रशिक्षण, ठीक है। यहाँ पे की पॉइंट है मनुष्य का शारीरिक क्रियाओं द्वारा प्रशिक्षण, तो जहाँ पे मनुष्य का शारीरिक क्रियाओं द्वारा प्रशिक्षण शब्द आ जाए वाक्यांश आ जाए वहां पे ए आर वोमेन की परिभाषा होगी। नेक्स्ट परिभाषा है भारतीय शारीरिक शिक्षा तथा मनोरंजन के केंद्रीय सलाहकार बोर्ड, ठीक है। भारतीय शारीरिक शिक्षा तथा मनोरंजन के केंद्रीय सलाहकार बोर्ड के अनुसार शारीरिक शिक्षा शिक्षा ही है, यह वह शिक्षा है जो बच्चों के संपूर्ण व्यक्तित्व तथा उसकी शारीरिक प्रक्रियाओं द्वारा शरीर मन आत्मा की पूर्ण रूपे विकास हेतु दी जाती है। तो यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण की पॉइंट पकड़ने का है कि यहाँ पे शरीर मन आत्मा की पूर्ण रूपे विकास की जहाँ पे बात हो वहां पे समझ लीजिएगा कि ये भारतीय शारीरिक शिक्षा तथा मनोरंजन के केंद्रीय सलाहकार बोर्ड की परिभाषा है, शरीर मन आत्मा की पूर्ण रूपे विकास जहाँ पे आ जाए, ठीक है। एंड नेक्स्ट परिभाषा है सेकेंडरी शिक्षा कमीशन के अनुसार, ठीक है। सेकेंडरी शिक्षा कमीशन के अनुसार शारीरिक शिक्षा स्वास्थ्य कार्यक्रमों का एक अति आवश्यक भाग है, इसकी भिन्न भिन्न क्रियाओं को इस प्रकार करवाया जाए कि विद्यार्थियों के शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य का विकास हो, उनकी मनोरंजन क्रियाओं में रुचि बढ़े तथा उनके भीतर सामूहिक भावना, खेल भावना, दूसरों का आदर करने की भावना विकसित हो। शारीरिक शिक्षा इसलिए केवल शारीरिक ड्रिल या नियमित व्यायाम से अत्यधिक ऊंची वस्तु है, इसमें सभी प्रकार की शारीरिक क्रियाएं तथा खेल सम्मिलित है जिसके द्वारा शारीरिक और मानसिक विकास होता है। तो ये समझने वाली बात है, इतना लंबा चौड़ा परिभाषा है तो इसको आप समझ सकते हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट परिभाषा है, नेक्स्ट परिभाषा क्या है कि निक्सन तथा कोजन के अनुसार कि शारीरिक शिक्षा शिक्षा का वो एक भाग है जिसका संबंध मांसपेशियों की क्रियाओं तथा उनसे संबंधित क्रियाओं से है, ठीक है। देखिए यहाँ बड़ी मांसपेशी की बात नहीं कर रही है, मांसपेशी और बड़ी मांसपेशी जहाँ पे आएगा वहां जेबी नेक्स्ट परिभाषा आ जाएगी, ठीक है। एंड इसका एक और परिभाषा है शिक्षा वह पहलू है जिसका भी संबंध विस्फोटक पेशियों पेशी क्रियाओं उनकी प्रक्रियाओं एवं व्यक्ति में इन क्रियाओं से होने वाले परिवर्तन से है। जहाँ पे विस्फोटक पेशी की बात हो वहां पे निक्सन का परिभाषा, निक्सन तथा कोजन की परिभाषा हो जाएगी, ठीक है। एंड निक्सन का एक परिभाषा है कि वह क्षमता जिससे रोजमर्रा का कार्य बिना थकान के संपन्न हो और आपात स्थिति से निपटने की अतिरिक्त क्षमता भी बची रहे। तो ये परिभाषा वेरी इंपॉर्टेंट है निक्सन की, कि वह क्षमता जिससे रोजमर्रा का कार्य बिना थकान के संपन्न हो और आपात स्थिति से निपटने की अतिरिक्त क्षमता भी बची रहे, ठीक है। तो इस परिभाषा में आपको क्या की पॉइंट पकड़ना है कि रोजमर्रा का कार्य बिना थकान के संपन्न हो, ठीक है। जहाँ पर रोजमर्रा का कार्य बिना थकान के संभव हो यानी डेली रूटीन वर्क जहाँ पे शब्द आ जाए वहां पे निक्सन की परिभाषा होगी, ठीक है। एंड नेक्स्ट है हैरिसन की परिभाषा। हैरिसन क्या कहते हैं कि शारीरिक शिक्षा मानव क्रिया गति के अध्ययन अभ्यास व बोध की कला है, ठीक है। ये क्या कहते हैं कि शारीरिक शिक्षा जो है मानव क्रिया गति के अध्ययन अभ्यास और बोध की कला है, यानी कि इनके वे की पॉइंट पकड़ना है कि मानव क्रिया गति जहां शब्द आ जाए वहां पे हैरिसन की परिभाषा है, मानव क्रिया गति के अध्ययन के बाद जहां पे आ जाए वहां पे हैरिसन की परिभाषा है। नेक्स्ट परिभाषा है पेस्टोलॉजी की, जो कहते हैं कि जब शिक्षा शब्द को शरीर के संयोजन में लिया जाता है
तो यह शिक्षा की उस प्रक्रिया की तरफ संकेत करता है जहां मानव शरीर का विकास करती है। ठीक है, तो यहाँ पे शरीर के संयोजन की पॉइंट पकड़ना है, जहां पे शरीर के संयोजन की बात हो वहां पे एस्ट्रोलॉजी की परिभाषा होगी। नेक्स्ट है स्वामी विवेकानंद, ये परिभाषा बार बार पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो स्वामी विवेकानंद की इस परिभाषा को जरूर याद रखिएगा। इनका कहना है कि भारतवर्ष में आज भगवद गीता की इतनी आवश्यकता नहीं है जितनी फुटबॉल के मैदान की है। ठीक है, तो ये इनकी परिभाषा है, इसमें की पॉइंट पकड़ने की कोई जरूरत नहीं है। इनको क्या कह रहे हैं कि भारतवर्ष में आज भगवद गीता की इतनी आवश्यकता नहीं है जितनी फुटबॉल के मैदानों की आवश्यकता है। दोस्तों ये परिभाषा इतना भी इम्पोर्टेंट है कि हर बार किसी न किसी माध्यम से पूछ लिया जाता है। एंड नेक्स्ट परिभाषा है अरस्तु और प्लेटो की, जो वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको याद रखना आपको वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमेशा हर वक्त पूछा जाता है और हर एक चाहे KBS NBS EP TGT PGT कुछ भी हो, सब में ये परिभाषा जरूर पूछा जाता है और कंफ्यूजन भी करता है। जैसे कि अरस्तु और प्लेटो की परिभाषा, अरस्तु कहते हैं कि स्वस्थ तन में स्वस्थ मन रहता है। ठीक है, लेकिन हुआ क्या है कि इस समय इस परिभाषा को, परिभाषा तो है अरस्तु की, लेकिन ये कभी कभी प्लेटो की परिभाषा मान लिया जाता है। यानी कि इस पे ध्यान रखने वाली बात ये है कि जब ऑप्शन में दोनों अरस्तु और प्लेटो दिया हो, यानी कि क्वेश्चन हो कि स्वस्थ तन में स्वस्थ मन रहता है, यानी स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है, यह परिभाषा किसकी है, जहां पे अरस्तु और प्लेटो दोनों दिया रहे तो वहां पे प्लेटो सही होगा, और जब एक दिया रहे ऑप्शन में अरस्तु तो वहां पे अरस्तु सही होगा। ठीक है, यानी कि अरस्तु का कहना क्या है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का वास होता है, जबकि प्लेटो क्या कहते हैं इस परिभाषा को, प्लेटो का भी इस समय मान लिया जा रहा है, तो कंफ्यूजन करता है। ठीक है, नेक्स्ट परिभाषा है, एक और परिभाषा है जो परिभाषा जैसे कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का वास करता है अरस्तु ने दिया है, एंड एक परिभाषा है कि स्वस्थ मन में स्वस्थ शरीर वास करता है रहता है, ये जानदेवी ने दिया है। ठीक है, इसको ध्यान में रख लीजिएगा। नेक्स्ट है रामकृष्ण परमहंस, ये कहते हैं कि दूध में भीगे नरम फूले हुए चावलों की भांति निर्बल बुद्धि वाला व्यक्ति किसी काम का नहीं हो सकता, वह कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता, परंतु शक्तिशाली पौरुष तत्व रखने वाला व्यक्ति ही पराक्रमी कहलाता है, जीवन में सब कुछ कर सकता है, सब कुछ पा सकता है। तो यहाँ निर्मल बुद्धि और नरम फूले हुए चावलों के शब्द जहाँ पे आए वहां पे रामकृष्ण परमहंस की बात होगी। ठीक है, एंड रूसो का, ये रूसो की परिभाषा क्या कहते हैं वेरी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि रूसो कौन से प्रकृतिवादी दार्शनिक थे। ठीक है, रूसो क्या थे, एक प्रकृतिवादी दार्शनिक थे, तो इसको ध्यान में रखिएगा। बहुत बार पूछ लिया जाता है कि रूसो का संबंध किससे है, तो प्रकृतिवाद से है। ठीक है, तो रूसो की परिभाषा क्या है कि स्वस्थ शरीर होने से मन की क्रियाविधि सुगम व सुनिश्चित हो जाती है, ये परिभाषा वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या है कि स्वस्थ शरीर होने से मन की क्रियाविधि सुगम व सुनिश्चित हो जाती है। ठीक, तो स्वस्थ शरीर इन सबसे दो, ये रूसो की परिभाषा है। तो तीन परिभाषा जो है, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का वास होता है अरस्तु, अस्वस्थ मन में स्वस्थ शरीर का वास होता है जानदेवी, अस्वस्थ शरीर से होने से मन की क्रियाविधि सुगम सुनिश्चित हो जाती है, यह है रूसो की परिभाषा। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट परिभाषा है फ्रोबेल की, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। यदि इनका कहना है कि यदि हम मनुष्य का संपूर्ण विकास चाहते हैं तो उसके अंगों का व्यायाम कराने होंगे। सीधे सीधे ये कहते हैं कि यदि हम मनुष्य का संपूर्ण विकास चाहते हैं तो उसके अंगों का व्यायाम कराने होंगे। तो जहां अंगों का व्यायाम कराने की बात आए वहां फ्रोबेल की परिभाषा हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है हर्बर्ट स्पेंसर की परिभाषा, एक इनका कहना है कि पूर्ण अभिव्यक्ति के लिए शारीरिक नैतिक मानसिक क्रियाओं की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो यहाँ पे इनका की पॉइंट है पूर्ण अभिव्यक्ति, जहां पे पूर्ण अभिव्यक्ति की बात आ जाए वहां हर्बर्ट स्पेंसर की परिभाषा होगी।
एंड ये भी थॉमस की परिभाषा है, ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि बहुत छोटे जो परिभाषाएं होते हैं वो एग्जाम में ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसे जे बी थॉमस की परिभाषा है कि शरीर के लिए शरीर की शिक्षा, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर नोट कर लीजिए, शरीर के लिए शरीर की शिक्षा, ये जे बी थॉमस का है। इसमें कोई की पॉइंट पकड़ने की जरूरत नहीं है, इसको याद करने की जरूरत है। तो शरीर के लिए शरीर की शिक्षा किसने कहा है? जे बी थॉमस ने कहा है। ठीक, अब नेक्स्ट परिभाषा है जे आर शर्मन, इनका कहना है कि शारीरिक क्रियाओं द्वारा मनुष्य में व्यवहार की क्रिया। ठीक है, शारीरिक क्रियाओं द्वारा मनुष्य में व्यवहार की क्रिया शारीरिक शिक्षा है, तो इसको भी आप याद कर लीजिए। ठीक है, शारीरिक क्रियाओं द्वारा मनुष्य में व्यवहार परिवर्तन, ये भी जे आर शर्मन की परिभाषा। एंड ऑफर, ऑफर के अनुसार कुछ चुनी हुई शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से मनुष्य के वृद्धि विकास एवं व्यवहार में परिवर्तन। ठीक है, जो अमेरिका में ऑफर टेस्ट मतलब चलाया जा रहा था जाता है, फिजिकल फिटनेस टेस्ट है एक ऑफर, उसके अनुसार उस संस्था के अनुसार परिभाषा क्या है कि कुछ चुनी हुई शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से मनुष्य के वृद्धि विकास एवं व्यवहार में परिवर्तन। ठीक है, जहाँ चुनी हुई शारीरिक क्रिया आ जाए, ठीक है, सेलेक्टेड फिजिकल एक्टिविटी शब्द आ जाए, वहाँ पे ऑफर की परिभाषा होगी। नेक्स्ट परिभाषा है एंड लास्ट है हिचकॉक, यानी कि हिचकॉक का कहना है कि छात्र की शक्ति एवं योग्यताओं का संचरण ही शारीरिक शिक्षा है। तो छात्र की शक्ति एवं योग्यताओं का संचरण यहाँ पे बताया जाए वहाँ हिचकॉक का है, और जितने भी छोटे परिभाषाएं होते हैं वो अक्सर ज्यादा पूछे जाते हैं, इन सबको ध्यान में रखिएगा। दोस्तों, ये था शारीरिक शिक्षा का अर्थ एवं 25 ऐसे परिभाषाएं जो आपके वेरी इंपॉर्टेंट हैं और इनसे अवश्य क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैंने 25 परिभाषाओं की यहाँ पे रखा है और बेहतर ढंग से समझाने की कोशिश की है। मैं आशा करती हूँ कि आपको शारीरिक शिक्षा का अर्थ एवं परिभाषा बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों, आगे मैं शारीरिक शिक्षा टीजीटी पीजीटी के जो टीजीटी का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग सभी टॉपिक को लाने वाली हूँ, इसलिए आप वीडियो को देखते रहिए। एंड और अदर टॉपिक को जानने के लिए, प्री ओलंपिक, एशियन गेम, पैरालंपिक के बारे में समस्त टॉपिक के बारे जानने के लिए आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के उन सब वीडियो को देख सकते हैं। शारीरिक शिक्षा के इतिहास के बारे में मैंने बहुत अच्छे से एथेंस और स्पार्टा काल जो भी है यूनान में उस सबके बारे में वीडियो बनाया है, जो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, जिससे क्वेश्चन अवश्य पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिए, जिससे आपके माध्यम से उन तक भी ये वीडियो पहुंच सके। यदि चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे जो भी मैं नया वीडियो नेक्स्ट टाइम अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।